हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीरो मोटर कंपनी, यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है रिसेंटली। तो आप लोग अगर चाहते हैं हीरो मोटर कंपनी के साथ जुड़ के काम करना, यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे जो कि अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपका करियर में ग्रो करने के लिए। इसके साथ साथ आपका फ्यूचर जो कि है आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे हीरो के हीरो कंपनी के तरफ से बहुत सारे जो कि न्यू जॉब जो यहाँ पे पोस्टेड हुआ है। मैं उन जॉब को बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे, सब कुछ इसके बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे आपका जो कि करना होगा इस जो कि लिंक है इस पेज में आपको आना होगा। तो इस पेज में आने के लिए आपको जो लिंक के ज़रूरत होगा, मैं उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये एक हीरो के ऑफिशियल जो कि पेज है। यहाँ पे कुछ हीरो के बारे में लिखा हुआ है इंस्टेंट, तो यहाँ पे अगर चाहते तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली ले जाऊँगा कि कहाँ पे आपको जॉब के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, मैं आप किस तरह से वो जॉब देख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पे जो न्यू यूज़र एंड साइन अप जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट आस इन्वेस्टर मीडिया करियर्स CSR वी केयर रीच आस। तो दोस्तों, आपको जो कि रिक्रूटमेंट या जॉब वैकेंसी ढूंढने में अगर आप ढूंढ फाइंड करने में यहाँ पे आपको करियर्स जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट यहाँ पे चला आएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन। तो दोस्तों, यहाँ पे रिक्रूटमेंट में जो डिफरेंट पोस्ट होता है यहाँ पे डिपार्टमेंट होता है, तो अगर आप उस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर होगा उसका पोस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कि जो जो डिपार्टमेंट है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप कौन सा जॉब के लिए कंफर्टेबल हो उस जॉब के डिपार्टमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट जो है फिनेंस जॉब, उसके बाद है ग्लोबल फीचर। तो इसके लिए आपको यहाँ पे व्यू ऑल जॉब जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका सर्च बाय कैटेगरी या डिपार्टमेंट जो कि है यहाँ पे चला आया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इसका जो रिसेंटली जो जो जॉब पोस्ट हुए आप लोग उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कैटेगरी दिया हुआ है आपको इस कैटेगरी से आपको चुनना होगा कि कौन सा कैटेगरी के लिए आप कंफर्टेबल हो, कौन सा कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या कौन सा कैटेगरी में आप अप्लाई करने के बाद आपका ये जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे कैटेगरी सर्च करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कि यहाँ पे जॉब कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट जो कैटेगरी है सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स, तो जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स ढूंढ रहे हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे ठीक लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब, तो जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं वो लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ साथ और कुछ भी है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। दोस्तों, उसके बाद है ऑपरेशन जॉब्स, एंड उसके ठीक नीचे है इंफॉर्मेशन सिस्टम जॉब्स, उसके बाद है ग्लोबल प्रोडक्ट्स प्लानिंग जॉब्स, एंड देन स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन जॉब्स, ह्यूमन रिसोर्सेज जॉब्स, ग्लोबल बिजनेस जॉब्स एंड फिनेंस जॉब। तो दोस्तों, यहाँ से आपको चुनना होगा कौन सा कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए बोलने के लिए जस्ट यहाँ पे एक कैटेगरी चुन लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा उस कैटेगरी के अंदर क्या क्या रिसेंटली जॉब पोस्ट हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई भी डिपार्टमेंट आपके लिए सुइटेबल होगा, आप उसमें उस कैटेगरी के ऊपर आप क्लिक कर सकते। तो मैं यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग में जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है मैं उनके मैं देखना चाहता हूँ क्या 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 पोस्ट हुआ है। तो उनके लिए मैं सेल्स एंड मार्केटिंग जो जॉब्स है उस लिंक में उस को ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सर्च जॉब जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा।
सार्च जॉब क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है यहाँ पे सब कुछ चलाएगा उस जो सेल्स एंड मार्केटिंग के रिलेटेड जॉब्स है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है जॉब का, जो टाइटल है फास्ट जो है टेरिटोरी मैनेजर सर्विस जॉब। इसका जॉब लोकेशन जो रहेगा पुणे मुंबई इंडिया। 6 अक्टूबर 2018 में इसका जो पोस्ट हुआ है उसका बाद उसके बाद जो कि है पोस्ट हुआ है जॉब TM एंड लाइन इंचार्ज मेंटेनेंस इंजन जॉब। उसका जो लोकेशन है हरिद्वार UL इंडिया 249403। तो यहाँ इसका जो है ये पिन कोड है, उसके ठीक नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 अक्टूबर 2018 में इसका पोस्ट हुए। उसके बाद है टेरिटोरी मैनेजर सर्विस जॉब भुवनेश्वर उड़ीसा इंडिया, 5 अक्टूबर 2018 में इसका पोस्ट हुए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो कि आप लोग देख सकते हो वन बाय वन कोलकाता में यहाँ पे भी पोस्ट हुआ है टेरिटोरी मैनेजर सर्विस जॉब। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ में यहाँ पे जो कि पोस्ट निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो दोस्तों आपका अगर आप कोई भी सिटी के पास में ही रहते हो आप उन सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि दूसरे सिटी के लिए अप्लाई करना, आप उन सिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लिया कि बहुत सारे जो कि सिटी में ऑल ओवर इंडिया में आप अप्लाई जो कि पोस्ट निकला हुआ है, तो देरी किस बात का, आप लोग अभी से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो फास्ट जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है 6 अक्टूबर 2018 टेरिटोरी मैनेजर सर्विस जॉब, इनके बारे में बात कर लेता हूँ इन किस तरह से आपको यहाँ पे क्लिक अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख यहाँ पे उसका जो जॉब डिटेल्स है यहाँ पे चला आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते फर्स्ट जो लिखा हुआ है रेड कलर के अप्लाई नाउ। तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई नाउ में अगर आप अप्लाई नाउ में क्लिक कर देते हो तो आपको जो सबमिट है एप्लीकेशन फॉर्म है आप को यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो डेट जो है यहाँ पे पोस्ट हुआ है 6 अक्टूबर 2018, लोकेशन रहेगा पुणे महाराष्ट्र इंडिया, कंपनी नेम हीरो मोटर कंपनी। तो दोस्तों शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस जॉब के लिए कुछ एक छोटा जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डीलरशिप प्रोवाइड प्रोफिटेबिलिटी एदरिंग टू द पॉलिसीज सिस्टम प्रोसेसेस एंड रीचिंग मोर कस्टमर टू अचीव हीरो मोटर्स कॉर्प गोल। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि हीरो मोटर्स कॉर्प के जो मेन गोल है यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसका इसके साथ जो कि आपका जॉब का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपको मेन जो यहाँ पे आपको देखना होगा आपका जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो आपका क्राइटेरिया इसको फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लिखा हुआ है टू इंश्योर टेक्निकल एंगेजमेंट बाय द एडहरिंग टू स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम फिक्स एंड टू गिव फास्टर रिजोल्यूशन टू द कस्टमर। इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय द मैनेजिंग ऑल द सिस्टम एंड प्रोसेस ऑल द डीलरशिप लेवल। तो दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन जो कि यहाँ पे बात की है या बोला गया है कि आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आपका देखना होगा। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के जो जॉब होता है आप लोग सभी जानते हैं कि कस्टमर का कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना ही होगा। यहाँ पे आपको टारगेट दे देंगे उसके बाद आपको वो टारगेट को आपको फुलफिल करना होगा। ये इस तरह से आप इस जॉब को करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब सेगमेंट, तो फील्ड सेल, तो आपको फील्ड में जाके सेल्स करना पड़ेगा। सर्विस मैनेजर, आपको सर्विस मैनेजर के साथ काम करना पड़ेगा। मैनेजर सेल्स कस्टमर सर्विस और मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जॉब सेगमेंट जो कि लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको फील्ड में जाके भी काम करना पड़ेगा, स्टोर में जा रह के भी आप काम कर सकते। तो दोस्तों ये था जो इस जॉब का क्राइटेरिया ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ जॉब। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार आप लोग नोटिस कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई भी
कोई भी क्वालिफिकेशन की बात नहीं किया है, तो अगर आप 12th पास हो या ग्रेजुएशन पास हो, आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद अगर नहीं भी सिलेक्ट होता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे नहीं हुए है। तो दोस्तों मैं ये अभी आप लोगों को बताऊंगा कि अप्लाई किस तरह से करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे रेड जो ये है, रेड बटन में आपको क्लिक करना हो। रेड बटन में क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई नाउ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस जो कि यहाँ पे आप लोग देना होगा। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपको स्टार्ट जो है आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ देर यहाँ पे जो कि ये जो इसका जो पेज है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म जो है यहाँ पे इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको देना होगा, उसके बाद आपका एक पासवर्ड जो कि है यहाँ पे देना होगा, उसके बाद आपका वो पासवर्ड कंफर्म जो कि देना होगा, उसके बाद आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका फ़ोन नंबर। अगर आप कारंटली कोई भी काम कर चुके हो या करते हो उसके बारे में यहाँ पे भी डिटेल्स आप दे सकते हैं। करंट टाइटल, इंटरेस्ट लेवल आपको यहाँ पे पैसिव इंटरेस्ट लेवल या जस्ट स्टार्टिंग टू लुक अचीविंग लुकिंग बट एम्प्लॉयड अवेलेबल इमिडिएटली। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लेवल जो कि है आपको वो देना होगा। जॉब अलर्ट जो कि सॉरी फ्रेंड, सब कुछ देखे आपको नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका तो दोस्तों इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं हीरो मोटर्स के जो जो रिसेंटली पोस्ट हो रहा है जॉब को। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज भी, उसका लिंक मैं दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाके भी कोई भी कमेंट या SMS कर सकते हैं मेरे को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इस आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।